हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सब ने आइलैंड्स के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, वहाँ की ब्यूटी भी देखी होगी, वहाँ पे रहने की चाह भी करी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है एक ऐसा आइलैंड भी है जो कि बाहर से दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है लेकिन अंदर से वो उतना ही खतरनाक है। तो दोस्तों, इस आइलैंड के बारे में बताने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल फैक्ट वन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस आइलैंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अटलांटिक ओशन में है, ब्राज़ील का एक आइलैंड जिसका नाम है इला दे क्यूमादा ग्रांदे। दोस्तों, ये आइलैंड बाहर से दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इस आइलैंड के अंदर रहते हैं बहुत ही सारे सांप, जिसकी वजह से इसको हम द स्नेक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। अगर हम रिसर्चर्स की माने तो यहाँ पे आइलैंड में स्नेक्स की जो डेंसिटी है वो 2 से 5 है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के अंदर। यहाँ पे अराउंड 106 एकड़ की लैंड है जिसमें 4 लाख से ज़्यादा सांप रहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर इतने सारे सांप आए कैसे। तो यहाँ की एक लोकल मिथ है जिसका कहना है कि पायरेट्स ने यहाँ पे खजाना छोड़ा था, जिसकी रक्षा के लिए वहाँ पे वो अपने सांप रख कर गए थे ताकि वो उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन मेरे को तो लगता है ये बेवकूफ़ी है। आपको क्या लगता है, आप इस बात को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, तब तक हम रिसर्चर्स की मानते हैं। रिसर्चर्स का कहना था कि ये आइलैंड जो है पहले मेनलैंड का ही पार्ट था, जो कि एक बहुत ही छोटी सी एक पट्टी के थ्रू जुड़ा हुआ था। टाइम के साथ जब वहाँ पे ओशन का वाटर लेवल बढ़ा तो वो पट्टी अपने आप ही उसके पानी के अंदर चली गई और जो भी कनेक्शन थोड़ा बहुत था उस आइलैंड का मेनलैंड के साथ वो भी कट गया और जितने भी वहाँ पे जानवर थे, जितने पशु पक्षी थे, सब के सब वहीं कैद हो गए। और इन सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो थी सांपों की। तो सांपों ने जल्द से जल्द अपना दबदबा बना लिया और सबको खाना पीना शुरू कर दिया। बहुत सारा खाना मिलना और फेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से सांप यहाँ पर बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन बाद में खाना धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे सांपों का नंबर भी कम होना चालू हो गया। रिसेंटली सांप अब सिर्फ वही खा पाते हैं जो वहाँ पर बर्ड्स आती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनको खा पाते हैं खाली। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है फ्लाइंग स्नेक और द गोल्डन लैंसहेड। जी हाँ, गोल्डन लैंसहेड जो कि सिर्फ यहीं मिलता है और यहाँ पे सिर्फ 2 से 4 हज़ार के करीब ही बच गए हैं। ये सांप बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड है। यहाँ के सांप जो है बहुत ही ज़्यादा वेनमस होते हैं बाकी सांपों के मुकाबले। गोल्डन लैंसहेड की बात करें तो वो तो 5 गुना ज़्यादा वेनमस होता है। गोल्डन लैंसहेड के काटने पर अगर इलाज ना करा जाए तो 1 घंटे के अंदर बंदा मर सकता है, और अगर इलाज कर भी दें तो भी उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। सांपों की वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर जाना ही बंद कर दिया और 1 साल में वहाँ पे नेवी मैन सिर्फ 1 ही बार जा सकते हैं, वो भी सारे के सारे प्रोटेक्टिव गेयर्स ले करके, वो भी विद परमिशन, ताकि वो वहाँ की लाइट हाउस की लाइट ठीक कर सके फॉर द नेवी। इस आइलैंड के बैन का असली फ़ायदा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्मगलर्स उठाते हैं। वो गोल्डन लैंसहेड को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि इस गोल्डन लैंसहेड की जो ब्लैक मार्केट में कॉस्ट है वो है $10,000 to $30,000। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ एंडेंजर्ड होने के साथ साथ कितना वैल्यूएबल भी है, और यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी तो इस अमाउंट में होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको इस आइलैंड के बारे में ये फैक्ट्स? अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो अपने चैनल फैक्ट वन को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई तो आप कमेंट में बताइए कि हम अगली वीडियो किस आइलैंड पर बना सकते हैं जिससे आपको भी अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो सके। धन्यवाद।